नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उस पिता पर नाज है जिसने नहीं लिया आतंकी बेटे का शव। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि मध्यप्रदेश में ट्रेन में बम विस्फोट मामले के सिलसिले में लखनऊ मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी के मारे जाने की घटना की जांच एनआईए करेगी। आतंकी सैफुल्लाह के पिता के उस कथन की प्रशंसा की जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अपने देश का नहीं हुआ वह हमारा कैसे होगा। लोकसभा में इस विषय पर अपने वक्तव्य में राजनाथ सिंह ने कहा कि मोहम्मद सरताज पर सरकार और पूरे सदन को नाज है। सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि सैफुल्लाह मंगलवार को मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में भोपाल-उज्जैन ट्रेन में हुए विस्फोट मामले में संदिग्ध था। गृह मंत्री ने कहा कि यह घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई। गृह मंत्री ने बताया कि संदिग्धों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर और औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि लखनऊ के काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदिग्ध सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया और एटीएस पर गोलीबारी की। राजनाथ ने बताया कि अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात एटीएस टीम ने सैफुल्लाह के कमरे में प्रवेश किया तथा आमने सामने की मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया। उन्होंने बताया कि मृतक के कमरे से 8 पिस्तौल, 630 कारतूस और अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपए, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वाकी टाकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा आदि बरामद की गई। राजनाथ ने बताया कि एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों को संदिग्ध आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मोदी ने संसद में सकारात्मक चर्चा और जीएसटी पर ब्रेक थ्रू की उम्मीद जताई। विजय माल्या से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, संपत्ति का सही ब्यौरा देंगे या नहीं। पॉली उम्रीगर अवार्ड जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा, मुझे हमेशा से खुद में विश्वास था। सीरिया के रक्का में अमेरिकी सेना के हवाई हमले में 14 आतंकियों की मौत। बेहतर सुरक्षा फीचरों के साथ 10 रुपए के नए नोट जारी करेगा आरबीआई। ये तब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।